हेलो स्टूडेंट्स, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। तो हमने कल क्या डिस्कस किया था? इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल फ्रैक्शन, ठीक है? तो उस पे ही हम क्वेश्चंस देखेंगे। फर्स्ट एग्जांपल एक लिया था मैं, और फिर आगे और देखें। एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री डीएक्स से, ये क्वेश्चन। तो हमको इसको सॉल्व करना है। हम कैसे सॉल्व करेंगे? अब यदि पार्शियल फ्रैक्शन लगाना है तो हमको क्या करना पड़ेगा? एक्स प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री। फर्स्ट स्टेप ही हमारा क्या है, इसको ब्रेक कर देना, क्योंकि ये फैक्टर लीनियर है। तो इसको मैं वन अपॉन एक्स माइनस वन प्लस वन अपॉन एक्स माइनस टू प्लस वन अपॉन एक्स माइनस थ्री लिख सकता हूं, कोई दिक्कत नहीं। गलत है। यहाँ ए होगा, यहाँ बी होगा और यहाँ सी होगा, ठीक है? अब दोनों तरफ एलसीएम ले लो। तो इस साइड तो एज इट इज लिख दो, एक्स प्लस वन एक्स माइनस वन एक्स माइनस टू एक्स माइनस थ्री इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स माइनस टू इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस बी टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस थ्री प्लस सी टाइम्स एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू अपॉन एक्स माइनस टू एंड से एक्स माइनस थ्री। ये पार्ट इससे कैंसिल हो जाएगा, ठीक है? ठीक है, अब हम क्या करेंगे? ए बी सी की वैल्यू निकालने के लिए हम क्या करेंगे? हम इसको मल्टीप्लाई नहीं करेंगे, हम क्या करेंगे, एक्स की कोई भी वैल्यू रख देंगे, ठीक है? तो पुट एक्स बराबर से पहले वन लगे, वन लग गए तो ये पार्ट जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो हो गया। यहाँ पे वन रखो, लेफ्ट हैंड साइड में रखना है, राइट हैंड साइड में रखना है। यहाँ पे एक्स की जगह वन लगे तो वन प्लस वन टू, टू बराबर यहाँ पे ए एक्स की जगह वन लगे तो वन माइनस टू माइनस वन एंड वन माइनस थ्री माइनस टू। तो ये क्या आ गया, टू बराबर टू ए। तो यहां से ए बराबर क्या आ गया, वन। ए की वैल्यू आ गई वन, ठीक है? ठीक है, कोई डाउट नहीं? इसको मिटाते हैं। आगे यहां पे कर रहा है, फिर पुट एक्स बराबर से टू रख दिए, टू रख दिए तो ये पार्ट जीरो हो गया, ये पार्ट जीरो हो गया। यहां पे रख दो टू और यहां पे भी रख दो, टू प्लस वन बराबर थ्री। और यहां पे क्या हो जाएगा, टू माइनस वन वन, तो बी इंटू वन इंटू टू माइनस थ्री माइनस वन, ठीक है? तो बी बराबर क्या आ गया, माइनस थ्री। ए की वैल्यू आ गई वन, बी बराबर आ गया माइनस थ्री। और सी निकालने के लिए पुट एक्स बराबर थ्री, एक्स की जगह थ्री कर दो, ये जीरो ये जीरो यहां पे रख दो, तो थ्री माइनस वन टू और थ्री माइनस टू वन। तो इस साइड हो गया सी इंटू टू इंटू वन और इस साइड हो गया थ्री प्लस वन फोर। तो सी बराबर क्या आ गया, टू, ठीक है? ए की वैल्यू वन, बी की वैल्यू माइनस थ्री, सी की वैल्यू टू, ठीक है? नो डाउट, ये समझ में आ गया कि ए बी सी की वैल्यू कैसे निकलेगी, निकल गई, ठीक है? अब इसको मैं मिटा रहा हूं। फिर क्या करना है हमें, यहां पे ए बी सी की वैल्यू रख दो। तो मैं यहीं पे मिटा के रखता हूं, बट तुम्हें आगे लिखना पड़ेगा, ठीक है? ए की जगह वन, बी की जगह माइनस थ्री और सी की जगह टू। मीन्स ये एक्सप्रेशन इक्विवेलेंट है दिस प्लस दिस, ठीक है? अब मुझे क्या करना है, इसको इंटीग्रेट करना है। इसका इंटीग्रेशन इज इक्विवेलेंट टू इसका इंटीग्रेशन माइनस इसका इंटीग्रेशन प्लस इसका इंटीग्रेशन, ठीक है? इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, एल एन मॉड एक्स माइनस वन माइनस थ्री टाइम्स एल एन मॉड एक्स माइनस टू प्लस टू टाइम्स एल एन मॉड एक्स माइनस थ्री प्लस। और इसको सिंपलीफाई कर देते हैं तो ये क्या हो जाएगा, एल एन मॉड एक्स माइनस वन माइनस एल एन मॉड एक्स माइनस टू का क्यूब लिख सकते हैं, इसको इधर ले जाएंगे तो, और वैसे इस टू को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा एल एन मॉड एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर, ठीक है? ये हो गया। अब ये देखो, एल एन एम प्लस एल एन एन क्या हो जाएगा, एल एन एम इंटू एन। एल एन एक्स माइनस वन
इनटू एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर माइनस एल एन एक्स माइनस टू का क्यूब प्लस, ठीक है। अब एल एन एम माइनस एल एन एन तो एल एन एम बाय एन, ठीक है। तो इसको आगे मैं यहां लिख रहा हूं, क्या हो जाएगा एल एन एक्स माइनस वन एक्स माइनस थ्री का स्क्वायर अपॉन एक्स माइनस टू का क्यू प्लस सी, ठीक है। ये हो गया फाइनल आंसर, ठीक है। यहां से जो मैं तीन स्टेप में क्या हूं, ये डायरेक्ट भी कर सकता हूं। देखो ये पावर यहां आ जाएगा, है ना, जो प्लस वाला है वो चीज ऊपर में आ जाएगा, x माइनस वन और x माइनस थ्री का स्क्वायर वो ऊपर में, जो माइनस के साथ है वो डिनोमिनेटर में आ जाएगा बस, ठीक है। आई होप समझ में आ गया होगा, सिंपल सा है, फिक्स मेथड है, वैसे ही करना है, वैसे ही ब्रेक करना एंड आगे बढ़ते जाना, बस पेन रुकना नहीं चाहिए तुम्हारा, ठीक है। नोट कर लो, ठीक है, आगे बढ़े। नेक्स्ट क्वेश्चन, x प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू dx, ठीक है। तो कैसे ब्रेक करेंगे, तो x प्लस फाइव अपॉन एक्स स्क्वायर इंटू एक्स माइनस वन इंटू एक्स माइनस टू डी एक्स बराबर a अपॉन x, क्यों, अब ये क्या है, क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन है, मतलब लीनियर का ही स्क्वायर रिपीटेड टाइम्स है, तो a अपॉन x प्लस b अपॉन x स्क्वायर, ठीक है, प्लस c अपॉन x माइनस वन प्लस d अपॉन x माइनस टू, ठीक है। तो x प्लस फाइव अपॉन x स्क्वायर इंटू x माइनस वन इंटू x माइनस टू बराबर एलसीएम ले लो, तो a टाइम्स x इंटू x माइनस वन इंटू x माइनस टू, ठीक है, प्लस b टाइम्स x माइनस वन इंटू x माइनस टू प्लस c टाइम्स x माइनस टू इंटू x स्क्वायर, ठीक है, प्लस d टाइम्स x स्क्वायर इंटू x माइनस वन d टाइम्स x स्क्वायर इंटू x माइनस वन अपॉन ये पूरा x स्क्वायर इंटू x माइनस वन इंटू x माइनस टू, ये पार्ट इससे तुम काट सकते हो, ठीक है, ठीक है। ऑब्वियस ही बात है कि हम यहां पे यदि ये इक्वेशन होता तो हम यहां पे 0 1 2 नहीं रख सकते थे, अदर क्योंकि डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं है, है ना, ठीक है। मैं पहले इसको ब्रैकेट कर दिया तब फिर हम 0 1 2 रखते, बेसिकली आप इस x जो ऊपर वाला पार्ट दिख रहा है सिर्फ उसमें रखो, ठीक है ना, हां किसी को ये डाउट नहीं होनी चाहिए, तो ठीक है। मैं इसको फिर से नहीं लिख रहा हूं, यहीं पे हम कर लेते हैं। तो क्या करेंगे, पुट x बराबर सबसे पहले क्या रखो, 0 रख दो, 0 रख सकते हो, 1 रख सकते हो, 2 रख सकते हो, ठीक है ना, और भी कोई भी x की वैल्यू रख सकते हो, ठीक है, ऐसा कोई रेस्ट्रिक्शन नहीं कि तुमको 0 ही रखना है कि 1 ही रखना है कि 2 ही रखना है, 0 1 2 रखने से क्या होगा, तीन वैल्यू आसानी से मिल जाएगी, ठीक है। तो x बराबर 0 रखें तो क्या हो गया, 0 प्लस 5 बराबर 5, ये 0 ये 0 ये 0 यहां रख दो, तो क्या आ गया b इंटू माइनस वन इंटू माइनस टू, ठीक है। तो यहां से क्या आ गया, 2b बराबर 5, तो b बराबर 5 बाय 2, ठीक है, कोई डाउट, आई होप कोई डाउट नहीं होगा। तो b की वैल्यू आ गई 5 बाय 2, अब मैं यहां पर पुट x बराबर 1 1 रखेंगे तो 1 प्लस 5 6 इज इक्वल्स टू ये 0 ये 0 ये 0 यहां पे रख दो, c इनटू 1 माइनस 2 माइनस 1 और 1 का स्क्वायर 1,
तो यहां से क्या आ गया सी बराबर माइनस सिक्स। फिर ऐसे पुट एक्स बराबर टू, टू रख दोगे तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो बच गया ये, और यहां पे टू रखो तो टू प्लस फाइव बराबर सेवन। यहां पे डी इंटू टू का स्क्वायर फोर इंटू टू माइनस वन वन, तो डी बराबर क्या आ गया सेवन बाय फोर। ठीक है, क्या क्या निकल गया, बी निकल गया, सी निकल गया, डी निकल गया। ए निकालना है, ए निकालने के लिए क्या करें, अब कोई भी वैल्यू रख दो, क्योंकि अब ऐसा कोई भी वैल्यू नहीं है जिसपे कि बाकी तीन टर्म जीरो हो जाए, तो कोई भी वैल्यू उसके लिए तुमको फिर बी सी डी की वैल्यू रखनी पड़ेगी। ठीक है, तो नोट कर लो, मैं इस लाइन को मिटा दूंगा। ठीक है ना, तभी सॉल्व कर पाए। तो इस लाइन को मैं मिटा रहा हूं। ठीक है, पुट एक्स बराबर क्या रख दे थ्री रख दो, माइनस वन रख सकते हो, कुछ भी रख सकते हो। ठीक है ना, चलो मैं एक्स की जगह थ्री रख दिया, तो ये क्या रहेगा थ्री प्लस फाइव बराबर एट। ठीक है, ए इंटू थ्री माइनस वन टू, इंटू थ्री माइनस टू वन। ठीक है, प्लस बी की वैल्यू क्या आई है फाइव बाई टू, तो अब ये वैल्यू यहां पे तुमको रखना पड़ेगा। थ्री रखे हो तो थ्री माइनस वन टू और थ्री माइनस टू वन, प्लस सी कितना आया है माइनस सिक्स, और थ्री माइनस टू वन और थ्री का स्क्वायर नाइन, प्लस डी कितना आया है सेवन बाय फोर इंटू थ्री का स्क्वायर नाइन इंटू थ्री माइनस वन टू। ठीक है, तो मैं इस लाइन को भी मिटा दे रहा हूं। ठीक है, मुझे सिर्फ b की वैल्यू चाहिए तो मैं इसको यहां पे लिख दिया। ठीक है, b की वैल्यू क्या आएगी फाइव बाय टू, इसको भी मिटा दे रहा। तो सॉल्व कर लेते हैं इसको, क्या आएगा थ्री टू जस्ट सिक्स ए प्लस ये टू से ये टू कैंसिल हो गया तो ये आ गया फाइव, ये नाइन सिक्स 54 और ये 2 से 2 कट गया तो 97 है 63 बाय 2। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, इन सबको इधर ले आओ तो ये हो जाएगा 8 माइनस 5 प्लस 54 माइनस 63 बाय 2 इज इक्वल्स टू 6a। ठीक है, तो ये पहले इन तीनों पार्ट को सॉल्व करेंगे 3 और 54 प्लस 3 57 माइनस 63 बाय 2 इज इक्वल्स टू 6a। तो 57 टू जा 114 माइनस 63 बाय 2 इज इक्वल्स टू 6a। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा 63 70 और 47 110 40 44 और 7 51। ठीक है, आ गया 51 बाय 2 बराबर 6 है। ठीक है, तो यहां से a बराबर कितना आ जाएगा 51 बाय 2 इंटू 6, 3 से काट दो तो ये आ जाएगा 17 बाय 4। ठीक है, a की वैल्यू ये आ गई, b की वैल्यू वो है, c की वैल्यू ये है, d की वैल्यू ये है, लग दो। ठीक है, और सिंपलीफाई हो जाए। ठीक है, तो इसको मिटा देते हैं पहले। ओके, एक वैल्यू लिखें, बी की वैल्यू क्या आई है 5 बाय 2, डी की वैल्यू क्या आई है 7 बाय 4, सी की वैल्यू क्या आई थी माइनस 6 और ए की वैल्यू क्या आई थी 17 बाय 4। ठीक है, तो क्या था ओरिजिनल क्वेश्चन, x प्लस 5 अपॉन x स्क्वायर x माइनस वन x माइनस टू, इसको इंटीग्रेट करना इज इक्विवेलेंट टू, किसको इंटीग्रेट करना a अपॉन x dx प्लस b अपॉन x स्क्वायर dx प्लस c अपॉन x माइनस वन dx प्लस d अपॉन x माइनस टू dx। ठीक है, तो वैल्यू रख दो, ए की जगह क्या रख देंगे 17 बाय 4 क्योंकि कांस्टेंट है तो मैं इसको बाहर लिख सकता हूं 1 बाय एक्स डी एक्स। बी की जगह क्या रख देंगे
5 बाई 2 कॉन्स्टेंट है, बाहर लिख सकते हैं 1 अपॉन एक्स स्क्वायर डीएक्स, प्लस सी की जगह माइनस 6 रख सकते हैं, कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर लिख दो, 1 अपॉन एक्स माइनस 1, प्लस डी क्या है 7 बाई 4 कॉन्स्टेंट है तो उसको बाहर लिख दो, 1 अपॉन एक्स माइनस 2 डीएक्स, बस इसको इंटीग्रेट कर दो। तो ये क्या हो जाएगा 17 बाई 4 एल एन एक्स प्लस 5 बाई 2 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन, इसको मैं x की पावर माइनस 2 लिख सकता हूं, प्लस 1 का होगा x की पावर माइनस 1, तो माइनस 1 नीचे आ जाएगा, ठीक है, उस माइनस की वजह से ये माइनस हो जाएगा और x की पावर माइनस 1 को मैं 1 अपॉन x लिख सकता हूं, कर सकते हो इसका इंटीग्रेशन, ठीक है, माइनस 6 ln mod x माइनस 1, ठीक है, प्लस 7 बाय 4 ln mod x माइनस 2 प्लस c। ये एल एन है, यहाँ एल एन है, यहाँ एल एन है, सबको कंबाइन कर सकते हो, प्लस इसको ऐसे ही, ठीक है, तो और आगे सिंप्लीफाई कर सकते हो, ठीक है, इतना सब ऐसे नोट कर लो, थोड़ा सा लेंथी जाएगा ये सब क्वेश्चन, ठीक है ना, पार्शियल फ्रैक्शन मेथड ही लोग इसलिए अवॉइड करते हैं कि लेंथी जाता है थोड़ा सा, ठीक है, टाइम टेकिंग है। ठीक है, आई होप कि समझ में आ रहा होगा तुम्हें, समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं हो रही होगी, है ना। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 एक्स माइनस 2 डीएक्स, ठीक है, ये क्वेश्चन है। ब्रेक करने का तरीका मैं पूरा नोट करवा चुका हूं, तो उसमें कोई डाउट नहीं होनी चाहिए तुम्हें। क्या करेंगे, x प्लस 1 अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 इंटू x माइनस 2, ठीक है, इज इक्वल्स टू, क्योंकि पहले ये क्वाड्रेटिक है, यदि क्वाड्रेटिक को ब्रेक करोगे तो कैसे लिखेंगे, ए एक्स प्लस बी, अब ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं हो सकता, यदि फैक्टराइज होता तो हम पहले इसको फैक्टराइज करते लिखेंगे फैक्टर में, क्योंकि ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होगा इसलिए हम इसको ऐसे लिख देंगे, ए एक्स प्लस बी अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस सी अपॉन एक्स माइनस 2, ठीक है, सिंपल सा बात है, यदि नीचे क्वाड्रेटिक आ रहा है तो ऊपर कुछ इस टाइप का फैक्टर लिखना है, लीनियर आ रहा है तो इस टाइप का लिखना है, यदि क्यूबिक आता है वैसे ब्रेक कर सकते, नहीं ब्रेक किए मान लो, मतलब क्यूबिक ही लिख रहे हो तो ऊपर एक क्वाड्रेटिक एक्सप्रेशन आएगा, ठीक है, बस एक्स प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2 इज इक्वल टू, एलसीएम ले लो, ए एक्स प्लस बी इंटू एक्स माइनस 2 प्लस सी टाइम्स एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 2, ये पार्ट कट जाएगा, तो मैं पुट एक्स बराबर क्या रख दे, एक्स के जगह 2 रख दो, जब 2 रखेंगे तो ये क्या हो जाएगा 2 प्लस 1 3, और ये क्या हो जाएगा 0, और ये क्या हो जाएगा 2 या 4 प्लस 1 1 5 5 c, तो c बराबर क्या आ गया यहां से 3 बाय 5, ठीक है, c की वैल्यू क्या आई 3 बाय 5, ठीक है, अब a और b निकाल, अब क्या रखेंगे, अब कॉल सर को 0 कोई वैल्यू रख दो, तो एक वैल्यू हम क्या रख देंगे x के जगह, सबसे पहले जो आसान सा होता है दैट इज x की जगह तुम क्या करो 0 रखो, तो पुट x बराबर 0 इस पे आ गए, यहां 0 रखे तो ये क्या हो गया 0 प्लस 1 1, ठीक है, ये क्या हो जाएगा, यहां 0 रखे तो ये गायब हो गया, ये b, ये 0 रखे तो माइनस 2b प्लस c के जगह 3 बाय 5 रख दो और 0 प्लस 1 1, ठीक है, तो 3 बाय 5 को इधर ले आओ तो 5 माइनस 3 2 बाय 5 इज इक्वल टू माइनस 2b, तो यहां से b की वैल्यू क्या आ गई माइनस 1 बाय 5, ठीक है, b की वैल्यू आ गई,
सी की वैल्यू क्या है 3/5, उसको मैं यहां पे लिख दे रहा हूं सी बराबर 3/5, बी की वैल्यू -1/5, ठीक है। अब हमें ए निकालना, अब क्या रखते हैं, अब तुम 1 रख दो माइनस 1 रख दो कुछ भी रख दो, तो सेम मैं एक्स की जगह क्या रख रहा हूं 1, पुट एक्स बराबर 1, 1 रखे तो ये क्या हो गया 1+1 2, ठीक है। यहां 1 रखो तो a प्लस बी कितना है -1/5, तो यहां पे रख दो -1/5, 1 रखे हो तो 1 -2 -1, ठीक है, तो एक माइनस साइन बाहर आ गया, ठीक है ठीक है, ये हो गया 2 -1 -2 -1 प्लस c के अलावा क्या रख दोगे 3/5 -1 का स्क्वायर 1 1+1 2, सिंपलीफाई कर 2 बराबर -8 + 1/5 + 6/5, ठीक है, ये हो गया 7/5, इसको इधर ले आओ तो -5 + 10 -7 3/5 = -8, तो यहां से a बराबर क्या आ गया -3/5, तो a की वैल्यू क्या आ गई -3/5, ठीक है, बस यहां पे रख दें, मिटा दें इसको, ये स्टेप मिटा रहे हैं, ये भी मिटा रहे हैं, वैल्यू तो दिख चुके हैं यहां पे, ठीक है। तो ओरिजिनल क्वेश्चन क्या था, ओरिजिनल क्वेश्चन था x + 1/(x²+1) आई थिंक कुछ गलत कर दिया क्या हमने, मैंने इसके पहले x के लिए क्या रखा था 1 रखा था ना, हाँ ठीक है 1 स्क्वायर, देखिए ना आई थिंक मिस्टेक नहीं होना चाहिए, ठीक है, तो x + 1/(x²+1) और यहाँ था x - 2, यहाँ पे 2 रखे थे, यहाँ 0 रखे थे और यहाँ पे 1 रखे थे, ठीक है ना, हाँ a और b के, हाँ ठीक सही है, तो दिस इज इक्विवेलेंट टू व्हाट ax + b, ax a की वैल्यू क्या आएगी -3/5 a की वैल्यू आई है -3/5 x + b कितना आया है -1/5, तो माइनस माइनस कॉमन ले सकते हैं, ठीक है, ax प्लस बी अपॉन क्वाड्रेटिक, वो क्वाड्रेटिक ये है ये dx, ठीक है, जैसे ब्रेक किए थे वहां पे a b c की वैल्यू रखना है, ठीक है ना, तो मैं मिटा चुका हूं, इसलिए ax प्लस बी माइनस साइन कॉमन ले लिए अपॉन क्वाड्रेटिक प्लस c अपॉन, तो c की वैल्यू क्या है 3/5 अपॉन लीनियर फैक्टर x माइनस, ठीक है, बस अब कैसे करेंगे, ये तो आसान सा क्वेश्चन है, क्या हो जाएगा या नहीं, एक तरीका तो है कि सर लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक है, जो मैं तरीका बताया था वो कल जो हमने स्टैंडर्ड फॉर्म डिस्कस किया था, ठीक है, बट क्योंकि यहां पे एक्स वाला पार्ट नहीं है, है ना, यहां पे एक्स वाला पार्ट नहीं है, मतलब a² + b² + 2ab वाला पार्ट यहां पे नहीं है, ठीक है, तो ये क्वेश्चन और आसानी से हो जाएगा, कैसे तो इसको इंटीग्रेट करना है ना, तो इसको इंटीग्रेट करना है, तो माइनस -1/5 मैं यहां से कॉमन ले ले रहा हूं, ठीक है, उसके बाद क्या बचेगा 3x + 1/(x²+1dx, ठीक है, कोई डाउट नहीं, यदि मैं यहां से भी -1/5 कॉमन ले लूं तो ये माइनस हो जाएगा और ये 3 हो जाएगा यहां पे और ये हो जाएगा 1/(x-2dx), मैं बेसिकली पूरे में से -1/5 कॉमन लेता हूं, ठीक है, ये हो गया -1/5, सेपरेट कर दो इसको 3x / x²+1dx + 1/(x²+1dx) -3/(3×1)(x-2dx), ठीक है, -1/5
ये क्वेश्चन डायरेक्ट कर सकते हो, इसको डी बोलो तो ये एक्स डी एक्स, सब्स्टिट्यूशन से इसको कर सकते हो। इस पार्ट को मैं यहां कर रहा हूं, देखो मैं क्या कर रहा हूं, एक्स स्क्वायर प्लस वन को टी बोल दिया, तो टू एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी, मतलब एक्स डी एक्स बराबर क्या हो गया डी टी बाय टू। डायरेक्ट कर सकते हो, इसको इतना लिखने का जरूरत नहीं है, बट मैं सिर्फ तुम्हारे लिए लिख रहा हूं, ठीक है ना। तो एक्स डी एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं, थ्री तो पहले से बाहर है ठीक है, और टू ये वाला आ गया, ये हो गया डी टी और ये हो गया वन अपॉन टी, वन अपॉन टी का इंटीग्रेशन, तो ये हो गया थ्री बाई टू एल एन मॉड टी, और एल एन मॉड टी की जगह क्या लिख सकते हैं ये, तो यहां पे आ गया थ्री बाई टू एल एन मॉड एक्स स्क्वायर प्लस वन। फिर से ये पार्ट हम सब्स्टिट्यूशन के हेल्प से कर सकते हैं, इसको t बोलोगे तो ये x dx dt में चल जाएगा ठीक है, तो dt by 2 आ गया, तो यहाँ पे 3 by 2 dt by 2, तो ये 2 यहाँ आ गया और ये हो गया 1 by t dt, 1 by t का इंटीग्रेशन ln t और t के जगह x square plus 1 रख दी, तो इस पार्ट का इंटीग्रेशन ये हो गया। ये तो जानते ही हो 1 upon x square plus 1, ये तो बताने का जरूरत है नहीं मुझे, tan inverse x minus, ये भी मुझे बताने की जरूरत नहीं है, 3 ln mod x minus 2 ब्रैकेट 1 प्लस सी, यहाँ पे लॉग है यहाँ पे लॉग है, इसको अंदर भेज के दोनों को सिंप्लीफाई कर सकते हो एक साथ, प्लस tan inverse x को अलग आएगा, ये हो गया सॉल्व। नोट कर लो, कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन डी एक्स, ये क्वेश्चन दो तरीके से इसको करेंगे ठीक है, मेथड वन तो पार्शियल फ्रैक्शन ही लगाएंगे, तो डिनोमिनेटर में मुझे क्या दिख रहा है ए क्यूब प्लस बी क्यूब, ए क्यूब प्लस बी क्यूब क्या होता है ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस ए बी प्लस बी स्क्वायर, ए प्लस बी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस ए बी ठीक है, इसको ब्रेक करके हम ये फॉर्मूला ये सब लोग पढ़ लो पहले ठीक है ना। तो अब आ जाते हैं हम इसको ब्रेक कर लेते हैं, मींस पार्शियल फ्रैक्शन का मेथड लगा लेते हैं। फर्स्ट स्टेप क्या है, वन अपॉन एक्स प्लस वन प्लस सॉरी यहाँ ए आ जाएगा, और क्योंकि ये क्वाड्रेटिक है ये क्वाड्रेटिक फैक्टराइज नहीं होगा, इसलिए हम इसको बी एक्स प्लस सी अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन लिख सकते हैं ठीक है, कोई डाउट नहीं। तो एलसीएम ले लो, तो वन अपॉन एक्स प्लस वन एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन इज इक्वल टू ए टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस वन अपॉन एक्स प्लस वन इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स प्लस वन, ये पार्ट कट गया ठीक है, बस अब एक्स के जगह कुछ वैल्यू रख दो ए बी सी का ठीक है। तो मैं यहां पे करता हूं पुट x बराबर, सबसे पहले क्या रख देंगे हम x के जगह माइनस वन, माइनस वन रखने से क्या होगा ये पार्ट जीरो, यहां रख दो माइनस वन इस साइड पे वन ही रहेगा, इस साइड क्या हो जाएगा माइनस वन का स्क्वायर वन ठीक है,
ये 1 हो गया और माइनस माइनस प्लस 1 1 प्लस 1 2 प्लस 1 3 तो a की वैल्यू क्या आ गई 1/3। ठीक है अब आ जाते हैं b और c निकालने के लिए। उसके लिए क्या करेंगे तो सेम मैं x के लिए पहले 0 रख देगा। ठीक है 0 रख देंगे तो लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगा और इस साइड क्या आ जाएगा ये 0 ये 0 ये 1 1 into a और a की जगह क्या रख देंगे 1/3। 0 रख दोगे तो ये 0 हो जाएगा बचेगा c प्लस c आ जाएगा c की वैल्यू आ जाएगी यहां से 2/3। ठीक है तो a निकल गया c निकल गया। अब क्या करो x की जगह 1 रख दो से पुट x बराबर 1 तो 1 रखने से लेफ्ट हैंड साइड तो 1 ही रहेगा और यहां क्या हो जाएगा 1 माइनस 1 0 और यहां क्या 1 1 into a a की वैल्यू क्या है 1/3 प्लस b और c के जगह क्या रख देंगे 2/3। 1 रख के तो ये 1 प्लस 1 2 हो गया तो 1 माइनस 1/3 2/3 बराबर b प्लस 2/3 into 2 2 से 2 कट जाएगा तो 1/3 बराबर क्या जाएगा b प्लस 2/3 तो यहां से b की वैल्यू क्या आ जाएगी माइनस 1/3। ठीक है तो a आ गया। ठीक है इसको मिटा दो तो ये क्या हो गया 1 अपॉन x प्लस 1 इनटू x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। इसका इंटीग्रेशन इज इक्वल टू इसका प्लस इसका तो a की वैल्यू क्या आई है 1/3 कांस्टेंट है तो बाहर लिख सकते हैं 1 अपॉन x प्लस 1 प्लस bx प्लस c। b क्या है b आया माइनस 1/3 और c आया है 2/3 अपॉन ये ऑलरेडी dx। ठीक है यहां से हम 1/3 कॉमन ले सकते हैं तो मैं यहां पे कॉमन ले ले रहा हूं यहीं पे तो 1/3 कॉमन आ गया। ठीक है कोई डाउट नहीं मिटा दे तो मैं इस पार्ट को मिटा रहा हूं। तो मैं यहां पे इसके आगे यहां कर रहा हूं ये पार्ट तो सॉल्व हो गया 1/3 ln mod x plus 1। ठीक है ये करा प्लस 1/3 लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक कल हमने बताया है ना तो मैं यहां पे डायरेक्ट कर रहा हूं। ठीक है यदि नहीं तुम्हें समझ में आएगा तो जो स्टैंडर्ड मेथड है दिस इज इक्वल्स टू a टाइम इसका डिफरेंशिएशन प्लस कांस्टेंट तो मैं क्या कर रहा हूं मैं जो एक डायरेक्ट तरीका सिखाया था ब्रेक करने का क्या मुझे इसका डिफरेंशिएशन चाहिए। इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 2x माइनस 1 2x माइनस 1 एक मिनट थोड़ा सा नीचे लिख दें शायद दिखेंगे और वन बाय थ्री एल एन मॉड एक्स प्लस 1 ठीक है प्लस 1/3 मैं माइनस साइन भी कॉमन ले लेता हूं। ठीक है क्यों क्योंकि यहां पे सिर्फ 2x आ रहा है ना तो ये x माइनस 2 है अपॉन x स्क्वायर माइनस x प्लस 1 dx। ठीक है तो ये क्या हो जाएगा 1/3 ln mod x प्लस 1 माइनस 1/3 ब्रेक कर दो 2x माइनस 1 चाहिए मुझे। ठीक है 2 कैसे आ गया यहां पे इसमें 2 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा है ना। ठीक है तो इसको पहले नीचे लिख लेना। ठीक है इसमें 2 से मल्टीप्लाई कर तो ये क्या हो जाएगा 2x माइनस 4 बट यहां पे क्या लिखा हुआ है 2x माइनस 1 तो मुझे माइनस 3 ये करना पड़ेगा। ठीक है बट मैंने क्या कर दिया यहां पे क्या हो गया ये बेसिकली क्या लिखा हुआ है
2x माइनस 4, तो यहां क्या था x माइनस 2, बेसिकली इसमें 2 से मल्टीप्लाई किए तो 2 से डिवाइड भी करना पड़ेगा, इसलिए ये 2 यहां पे भी आ जाएगा, ये हो जाएगा 1/3 into. यदि ये नहीं समझ में आया तो तुम क्या करोगे, a टाइम्स डिनोमिनेटर डिफरेंशिएशन ऑफ दिस प्लस b उन दोनों इज इक्वल्स टू x माइनस 2, उन दोनों को इक्वेट करके निकाल सकते हो. कल ही मैंने बताया, ठीक है ना, किस टाइप का क्वेश्चन है, लीनियर अपॉन क्वाड्रेटिक वाला. नहीं आ जाए तो जाके देखोगे, ठीक है. तो ये हो गया, मैंने ब्रेक कर दिया, ठीक है, डायरेक्ट dx बस सॉल्व हो जाएगा, 1/3 ln mod x plus 1 minus 1/6 ब्रैकेट सेपरेट कर दो, 2x minus 1 upon x square minus x plus 1 dx minus 3 upon x square minus x plus 1 dx, ठीक है. तो ये हो जाएगा 1/3 ln mod x plus 1 minus 1/6, इसको t बोलोगे तो ये dt लिखा रहा, 1/t का इंटीग्रेशन log t ln mod x square minus x plus 1, ये हो गया, ठीक है ना. माइनस 3 बाहर ले लो, इसको परफेक्ट स्क्वायर बना लो, ठीक है. तो x स्क्वायर माइनस x प्लस क्या करेंगे, 1/2 का स्क्वायर ऐड करेंगे एंड 1/2 का स्क्वायर सब्ट्रैक्ट करेंगे. तीन दिन से यही पढ़ा रहा हूं मैं, तो मैं बार बार इसको डिस्कस नहीं करूंगा, अब समझ में आ गया होगा तुम लोगों को अच्छे से, ठीक है ना. ठीक है, यहां तक आगे लिखते हैं, तो सिर्फ लेंथ ही ज्यादा क्वेश्चन है ना. तो ये हो जाएगा 1/3 ln mod x plus 1 minus 1/6 ब्रैकेट में ln mod x square minus x plus 1, ठीक है, ये पार्ट तो हो गया, माइनस 3, एक मिनट. थोड़ा सा चमक रहा होगा, ठीक है, तो बस इस क्वेश्चन को खत्म कर लेते हैं. तो क्या हो गया, यहां तक पहुंच गए, है ना. तो 3 इंटीग्रल ऑफ 1 अपॉन ये मिलके क्या बन जाएगा, x प्लस x माइनस, क्यों, क्योंकि यहां पे माइनस साइन है, इसका होल स्क्वायर, और इसको सॉल्व करोगे तो 1 माइनस 1/4 दैट इज 3/4 and that is equals to root 3/2 का square, ठीक है, ये bracket बने, ठीक है. ठीक है, आता बस इसको भी मिटा दो. तो ये हो जाएगा 1/3 ln mod x plus 1 minus 1/6 मल्टीप्लाई कर दे रहा हूं मैं, तो ln x square minus x plus 1, ठीक है, और ये से मल्टीप्लाई होगा तो प्लस 3/6 1 upon x square plus a square, ठीक है. तो क्या होता है इसका इंटीग्रेशन, tan इनवर्स 1 अपॉन a, तो 1 अपॉन a, a क्या हो जाएगा, ये 1 अपॉन a tan इनवर्स x by a प्लस c हो गया. और सिंपलीफाई कर लेते हैं इसको, 1/3 ln x plus 1 minus 1/6 ln mod x square minus x plus 1 प्लस ये कट जाएगा 1/√3 tan इनवर्स एलसीएम ले लो तो ये आ जाएगा 2x-1 और डिनोमिनेटर वाला 2 इससे कैंसिल हो जाएगा तो ये आ जाएगा, ठीक है. तो ये हो गया, ये भी क्वेश्चन लिख लो इसको.
इस क्वेश्चन को मैंने बोला था दो तरीका, तो मेथड वन था पार्शियल फ्रैक्शन जो कि बहुत लेंथी है, ठीक है ना, इसका एक और एक आसान तरीका है, क्या वो बता रहा। क्या है आसान तरीका? मेथड टू, वन अपॉन एक्स क्यूब प्लस वन डी एक्स, ये था ना। तुम न्यूमरेटर में क्या करो, एक्स स्क्वायर माइनस वन लिखा, क्यों लिखे समझ में आएगा।